उसने बिना कहे मेरी मदद की। मेरी मम्मी बिना कहे मेरी बात समझ जाती है। कभी तो बिना कहे कुछ कर लिया करो। मेरे बच्चे बहुत समझदार है, वो बिना कहे मेहमानों के लिए पानी ले आते हैं। गाइज, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज़ कर देने कंप्लीट सेंटेंस, इसके बाद आपको यूज़ कर देने विदाउट बीइंग टोल्ड। विदाउट बीइंग टोल्ड का मतलब होता है बिना कहे कुछ। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। वे बिना कहे हमारे साथ दे रहे हैं। दे आर सपोर्टिंग अस विदाउट बीइंग टोल्ड। दे आर सपोर्टिंग अस विदाउट बीइंग टोल्ड। क्या तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते? कैंट यू डू एनीथिंग विदाउट बीइंग टोल्ड? कैंट यू डू एनीथिंग विदाउट बीइंग टोल्ड? वो बिना कहे मेरे लिए पानी ले आई। सी गॉट वाटर फॉर मी विदाउट बीइंग टोल्ड। सी गॉट वाटर फॉर मी विदाउट बीइंग टोल्ड। बिना कहे वो कुछ नहीं करता। ही डज नॉट डू एनीथिंग विदाउट बीइंग टोल्ड। ही डजंट डू एनीथिंग विदाउट बीइंग टोल्ड। मेरे बच्चे बहुत समझदार है, वो बिना कहे मेहमानों के लिए पानी ले आते हैं। माई चिल्ड्रन आर वेरी सिंसियर, दे ब्रिंग वाटर फॉर गेस्ट विदाउट बींग टोल्ड। माई चिल्ड्रन आर वेरी सिंसियर, दे ब्रिंग वाटर फॉर गेस्ट विदाउट बींग टोल्ड। क्या उसने बिना कहे ऐसा किया था? डिड ही डू दिस विदाउट बींग टोल्ड? डिड ही डू दिस विदाउट बींग टोल्ड? मेरी मम्मी बिना कहे मेरी बात समझ जाती है। माई मदर अंडरस्टैंड्स मी विदाउट बींग टोल्ड। माई मदर अंडरस्टैंड्स मी विदाउट बींग टोल्ड। वो बिना कहे मेरे लिए पानी ले आई। सी गट वाटर फॉर मी विदाउट बींग टोल्ड। सी गट वाटर फॉर मी विदाउट बींग टोल्ड। कभी तो बिना कहे कुछ कर लिया करो। डू एवर डू समथिंग विदाउट बींग टोल्ड? डू एवर डू समथिंग विदाउट बींग टोल्ड?